डेजी, डेजी स्वीटी, व्हाट हैपेंड टू यू बेबी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। तो हमारी डेजी की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है, तो अभी हम लोग उसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। और मिनाहिल इमोशनल हो रही है, मैं खुद दिन में इमोशनल रही हूँ। पहले एक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी होगी, तो अभी इसकी तबीयत फिर ख़राब हो रही है। हम अभी दूसरे इसको हॉस्पिटल लेके पहली जा दफ़ा रहे हैं, हमारी बिल्ली के साथ ऐसा हुआ है। वही ना। तो चल के देखते हैं क्या कहते हैं दूसरे डॉक्टर। देखे माँ कितनी अजीब बात है। आ रही है आपके पास बैठा। बास्केट में बिठा दो, इसको पेन ना हो रही हो। लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अब हम लोग इसको लेके अंदर जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक होगी तो भी वेट करना पड़ेगा, उसी में बैठे रहने देते ना, इजी रहेगी, फिर ये अग्रेसिव हो जाएगी। हाँ उसकी आवाज़ कैसे निकल रही है लाइन की? डेजी को हम लोगों ने डॉक्टर से चेक करवा ली है और उसको लेके बाहर आ गए हैं। और मैं और मिनाहिल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये हमारा पेट है, तो इस वजह से। और कुछ अपनों से बिछड़ने के जो ज़ख़म है वो फिर से ताज़ा हो गए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि इसके जो एक पैदाइशी तौर पे इसमें एक वॉल होता है जो कैट्स के सिस्टम को जो है उसमें हार्ट के पास नहीं आने देते। और उनको जो है ना सेपरेट रखते हैं। इसके जो एक्सरे हम लोगों ने करवाया था, इसके लंग्स और इसके जो स्टमक का सारा सिस्टम है वो इसके हार्ट वाली साइड पे इसके चेस्ट के अंडर आ गया हुआ है। उसकी वजह से इसको सांस लेने में जो है आज सुबह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर ने बोला है कि इसको जो है आप सर्जरी अगर करवाते हैं उसमें भी इसके जो है चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं इसके सुरवाइव करने के। तो इस वजह से वो कह नहीं सकते कि ये सुरवाइव कर पाएगी क्योंकि इसमें वो चीज़ बाय बर्थ है ही नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल डालनी पड़ेगी और ये किटन बहुत छोटा है। तो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ, जो जो इसकी कंडीशन जा रही है उसमें ये कभी भी इसको ये हार्ट अटैक हो के कोलैप्स हो सकता है। इसके हार्ट अटैक की सिचुएशन पे मुझे अपने मियाँ जी की जो कंडीशन थी बहुत सारी याद आ रही है।
तब भी डॉक्टर्स हम लोगों को कहते थे अगर आप लोगों ने इमरजेंसी से इनको निकाला तो ये कोलैप्स कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने हम लोगों को रिकमेंड किया है कि ये तकलीफ़ में है, तो आप ऐसा करें कि इसको पॉइजन लगवा के इसको इस तकलीफ़ से निजात दे दें। लेकिन हम लोग इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अल्लाह करे हम लोग खैर करी ऐसे घर पहुँचे, क्योंकि बहुत दिली तौर पर जो है ना और मेंटली तौर पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ऊपर से मैं किसी को साथ भी नहीं, मेरे कोई आया कि वो ड्राइव कर सके। जी